प्रदेश सरकार के बस किराए बढ़ोतरी के निर्णय के खिलाफ वीरवार को बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित पूर्व विधायकों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में जिला कांग्रेस ने सरकार से बसों के बढ़ाए गए 25% किराए के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सरकार द्वारा बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी के निर्णय के खिलाफ वीरवार को बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें बसों के बढ़ाए गए 25% किराए के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई है। मीडिया से बात करते हुए बिलासपुर से पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा व झंडूता से पूर्व विधायक बीरू राम किशोर ने कोरोना महामारी के चलते पहले ही प्रदेश के आर्थिक हालात कमजोर होने की बात कहते हुए बसों के किराए में बढ़ोतरी को महंगाई की मार बताया है। उन्होंने कहा कि बसों में बढ़ाए गए किराए का सीधा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने में असफल साबित हुई है। पब्लिक के ऊपर कोरोना की इतनी मार पड़ी है, पिछले 5-6 महीनों से लोगों का सारे कारोबार खत्म है, रोजगार नहीं रहा, नौकरियां चली गई, आमदनी के सारे साधन रुके हुए हैं और इतनी भरकम जो है सरकार के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने दान दिया है और उसके ऊपर से अब किराए जो हैं इस तरह से बढ़ा दिए। पहले तो बसें नहीं चल रही हैं, जहाँ चल रही हैं वो पहुँच नहीं रही हैं और ऊपर से इतने किराए बढ़ा दिए, तो ये पब्लिक के हित के अगेंस्ट है। इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ पब्लिक की आवाज़ है, ये हम सरकार के तक पहुँचाते हैं। अगर नहीं सरकार सुनती है तो इसका हमें वो नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि ये वहाँ तक पहुँचे। हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार जो जिस तरह से बसों का किराया 25% उन्होंने अभी हाल ही में कैबिनेट में पास किया और जिससे आज आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण आज किस तरह से जनता का आर्थिक स्थिति गंभीर हो चुकी है, लोगों के पास किस तरह से आज आय के साधन कम हुए हैं, जो हमारे नौजवान साथी थे जो छोटी मोटी नौकरियों में भी लगे थे वो भी आज घर पर बैठे हैं, आज जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी आज घर पर बैठे हैं, तो इस तरह से सारा बर्डन आज हमारे किसान भाइयों के ऊपर, मजदूर भाइयों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2.5 सालों में ये किराया 25% अभी नहीं बढ़ा, इससे पहले भी 25% किराया बढ़ा है, कुल मिला के 50% किराया भारतीय जनता पार्टी ने इन 2.5 सालों में बढ़ाया है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कई नेता गैर मौजूद दिखे, जिसके चलते पार्टी के बीच अंदरूनी गुटबाजी भी देखने को मिली, जिस पर सफाई देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा अंजना धीमान ने इसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दिए जाने की बात कही है, जिसका आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद संज्ञान लेगी। देखिए, ऐसा है कि अगर यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी कांग्रेस के लीडर हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि सभी हम एकजुट होकर चले हुए हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे कुछ लीडर जो यहाँ पे हमारे साथ नहीं हैं, उनको कोई ज़रूरी काम, जैसे माननीय रामलाल ठाकुर जी आज शिमला में हैं, धर्माने जी भी किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो भी हर प्रोग्राम में आते हैं, बीरू राम जी यहाँ पे हैं, सदर के पूर्व विधायक जी यहाँ पे हैं, बाबूराम जी भी कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो हमने रिपोर्ट जो है हाईकमान को भेजनी है, बाकी हाईकमान खुद इसके फैसला करेंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।